तुम्हारी ये कविता है बिल्कुल बनारे बनाया इंतजाम रुक जा, बहुत बड़े होते होते काम रुक जा, हाथ के माई दन माया भाग जा जद माड़े लागे हो, और खुद फायर ब्रिगेड के भी आग लाग जा जद माड़े लागे हो, खुद आग बुझाने वाली कभी आग लाग जाए, मतलब वो माड़ा टाइम ये चीज़ा बैठा बलद कदे लात मार का ठाया नहीं कर दे, पकी फसल का जड़ में बीड़ी लाया नहीं कर दे, गांव की छोरी बिगड़ी हो तो समझा दो बिगड़े मोल में अपना काम बनाया नहीं कर दे, जे पट्टी धोती पैरे आंडा बाबू रहे तो फैसल लाने का हक बेटेगा बनता नहीं, और जे गाली दे दी कोख तजा मनाली तय तो वैष्णो देवी जान का हक बेटेगा बनता नहीं, माड़ा टेम बेरा नहीं होके के करवा दे, खुद राजे भी गए थे राजपाट छोड़ गए, कद गिर जावे सरकार का भरोसा नहीं, डाका डलवा दे चौकीदार का भरोसा नहीं, चार दिन खुशी देगा गम दे जागा, FB पे मिले दिलदार का भरोसा नहीं। द गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मनजीत कोथ की राम राम। साथियों आज गांव की नाला में थे और भाई खेता में कि नाला और पावड़ा का बीच में है और भाई है KP कुंडू जो कैश का एक सभ्य लेखक जिसने समाज में बहुत बढ़िया बढ़िया गाने दिए हैं, एक भी ऐसा सिंगल आदमी नहीं मिलेगा जिसके बाईपास तक एक सिंगल उंगली भी उठाई हो, तो भाई तो बात करांगे। आज एक गाना भी आया था काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है दबिया नहीं कर दे, तो उस पर भी बात करांगे। सबसे पहले राम राम भाई साहब। राम राम भाई दया गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी राम राम भाई, हाथ जोड़ गए प्यार भरी। और भाई पिंटू भी अपने साथ में है जो दबिया नहीं कर दे गाना गाया है, तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई सारे भाई है भाई सब KP कुंडू जो ये आपका गाना है ट्रेंडिंग में चल रहा, तो आपका कितना हौसला बढ़िया इसको ले भाई? बहुत हौसला बढ़िया, बहुत कॉन्फिडेंस, मतलब जाहिर नहीं कर सकते शायद कैमरा के सामने कि और जी करया काम करने की, शायद इसे और 10-12 प्रोजेक्ट हो, भूख सी बढ़ गई मतलब गाने की भाई, कुछ न कुछ तो अगर नहर गाने भी घूम गा तो भी न्यूज लग गया है भाई, 5 मिनट जावा तो भी एक गाना जनू कि मैंने कमेशा ही साली खेलिया, तो इतना फर्क पड़ गया अच्छी चीज़ों का, लोग वेट करने लग गए भाई कुछ न कुछ अच्छा लेके आओगे, और हम नहीं चाहते इस टाइम पर हम ढीले पड़ा चाहे मैंने दन एक महीना डेढ़ महीना फालतू लग जियो, लेकिन गाना जो अगला पाओगा 21 पाओगा 19 नहीं पाओगा। अच्छा, और एक बात और पूछो जे आपने कितना समय लगे इस मुकाम तक आने में, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ करना पड़ा है, बहुत दिक्कत। मुकाम तो न्यू है भाई साहब, कई मतलब लोगों ने तो बरानी 70-70 साल गाड़ दिए जब जाके कामयाबी मिला है, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से 7-8 साल हो गए। अच्छा, तो मेरे हिसाब से इतना तो स्ट्रगल होना भी चाहिए आदमी का 7-8 साल का, तो क्योंकि बिना स्ट्रगल फिर मंजिल का स्वाद नहीं आऊगा, उस कामयाबी का मजा जब आऊगा जब स्ट्रगल होगा, और ठीक है 7-8 साल का स्ट्रगल होना चाहिए कोई भी लाइन हो चाहे, आदमी सब कह मेरे को लिगड़ ले है, हर सीख मिल रहे है, समझदारी बढ़ा है। जो ये आपका गाना नहीं आया था दबिया नहीं कर दे, तो इसके हर एक बोल यानी हर इंसान का साथी में जाएगा लागे, क्योंकि एक तो एक बढ़िया बोल था इसमें समाज को लेकर है, जो आज की हालात है उसको लेकर है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे ये समाज? यो गाना जब बनाया था तो हमने सोचा कि इसमें उकलाई नहीं रखेंगे हम कोई भी, इसमें पैरे बनावांगे, हर पैरा अलग अलग अपना लेवल पर होगा, अलग अलग जो के बोलिया करा मतलब अलग अलग चीज पर होगा, चाहे वो किसी किसानी की बात है, चाहे वो गरीबी की बात है, मजदूरी की बात है, माँ बेटी की बात है, या अपनी कोई गामड़ू बात है, चौधर की अणखपण की कुछ भी लगा ले विरासत की, हर पैरा इसका एक अलग महत्व है, हर पैरा का किसी में कुछ दर्शा रखा है, किसी में कुछ दर्शा रखा है, तो कई दिन से सपना भी था कि कुछ न कुछ ऐसे गाने हरियाणा में आवा। सबसे पहले क्या था, प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे पास में कोई भी, अगर हम किसी कंपनी के पास लेके जाते थे कि बिंटू भाई सिंगर हैं और ये गाना है, तो मतलब कोई कंपनी सपोर्ट नहीं करा करती भाई इसे गाने चल भी जाऊंगे, क्योंकि उन बड़े गाने चाहिए कुछ चटपटा मसाला माल मसाला, तो फिर हमने कोशिश करी कि मैं कुछ न कुछ अलग लेके आवा, और हमने सपोर्ट भी करे ना हरियाणवी कंपनी ने बहुत सपोर्ट दी मारता है, और परमात्मा ने फल बहुत बढ़िया दिया, ये गाना सुपर डुपर हिट गया। अच्छा पिंटू भाई क्या कुछ कहना चाहोगे इस गाने के बारे में जो आपका गाना आया दबिया नहीं कर दे? बस खुशी हो है भाई। कितना खुशी हुई है? बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्या बताऊँ। अच्छा, और कुछ लोग सेल्फी वगैरह भी लेने लग गए के? हाँ, और आप बता रहे थे कि दिल्ली में जा रहे थे उस टाइम भी बहुत लोगों ने सेल्फी ली है। हाँ, बहुत लोगों ने ली भाई, बिल्कुल। वो बात है हमारी कविता है जो माड़ा टाइम टप जागर नहीं और जिस पे आज तो चाहे फिर सिकंदर खड़ा हो, चाहे फिर मोदी खड़ा हो, या फिर मतलब कुछ भी लगा ले जो फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, अपना देश का मुखिया मोदी चाहे भी खड़ा, जो माड़ा टाइम आवा तो उसने भी पटकनी दे जा, तो अगर बंगाल में दे गया तो हमारी ये कविता है बिल्कुल बनारे बनाया इंतजाम रुक जा, बहुत बड़े होते होते काम रुक जा, हाथ के माई दन माया भाग जा जद माड़े लागे हो, और खुद फायर ब्रिगेड का भी आग लाग जा जद माड़े लागे हो, खुद आग बुझाने वाली का भी आग लाग जाए, मतलब वो माड़ा टाइम
और केपी कुंडू भाई आपकी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बोल रहे थे आप कि मेरा गाना डीजे पे बाजो या ना बाजो लेकिन महिला रसोई में जरूर सुन उसके, कुछ इस तरह। सोनू भाई का ही इंटरव्यू था, सोनू दलाल भाई का, उसमें कही थी कि मतलब कुछ एक बालक जो शॉर्टकट आवे हैं लाइन में चाहे लगाना, उनका मकसद सिर्फ ये करे कि हम डीजे पे बाज जाए, पर वो भी मेरे भाई है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, मैं तो और एक आदमी ने यह बात कह करूँ कि आप मेहनत तो पहुँचाएंगे, शॉर्टकट नहीं जानते आप, आप अपनी मेहनत तय एक एक स्टेप दरते चलेंगे, एक एक पैड़ी दरते चलेंगे, ताकि आप ना हर रास्ता का बेरा पटाए, पहली पैड़ी पे तो अगर आप चौथे पैड़े पर डाक मारें तो चोट भी लगे इसके बीच में, तो वो चीज़ें हैं भाई, कोशिश करी थी कि एक सभ्य जो अपने गाने हो रही है ना मैं चले दोबारा, और परमात्मा ने मतलब बहुत दिया है यार, बहुत दिया है, जो भी हम सच्ची नीत सच दिमाग तय सच दिल तक करा वो काम हमारा सिरे लग गया है। और जो आप काम करें इसमें इसमें घर क्या का सपोर्ट और बाहर क्या कितना के सपोर्ट मिला जब तक आप काम कर रहे थे? घर क्या पूरा सपोर्ट है भाई फिलहाल तो, ये मतलब जो पिछले 7-8-10 गाणे आए हैं इनमें जमानू ताबड़ तोड़ सपोर्ट है, अगर क्या का आधी रात में कोई काम हो जाए गाड़ी लेकर लिगड़ लिया तो भी नहीं कंधे, सवेरे लिगड़ लिया तो भी नहीं कंधे, कड़िया बैर होटल पर रुका जद भी नहीं कुछ कंधे, तो अगर क्या फुल ताबड़ तोड़ सपोर्ट है अपने। आपका कौन सा प्रोजेक्ट है सबसे टॉप रहा है जो समाज ने बहुत ज़्यादा पसंद करे हो? बैठा बलद का दिलात मार का ठाया नहीं कर दे, पकी फसल का जड़ में बीड़ी लाया नहीं कर दे, गांव की छोरी बिगड़ी हो तो समझा दो बिगड़े मोल में अपना काम बनाया नहीं कर दे, जे पाटी धोती पैरे अंडा बाबू रहे तो फैसल लाण का हक बेटे का बनता नहीं, और जे गाली दे दी कोख तजामन वाली तय तो वैष्णो देवी जान का हक बेटे का बनता नहीं, इस कविता को बहुत प्यार दिया था। फिर बंटवारा कविता आई थी एक, उसकी मेरा लाइन ध्यान में नहीं है प्रॉपर, दहेज थी मतलब जो मैंने लिख कर डाली उनको भी बहुत प्यार दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा ये बैठा बड़ा दिट थी एक आज पोइम। हाँ और अभी अमित सैनी के साथ में भी एक मेरी पोइम है वो भी, माड़ा टेम बेरा नहीं होके के करवा दे, खुद राजे भी गए थे राजपाट छोड़ गए, कद गिर जावे सरकार का भरोसा नहीं, डाका डलवा दे चौकीदार का भरोसा नहीं, चार दिन खुशी देगा गम दे जागा, एफ बी पे मिले दिलदार का भरोसा नहीं, इस तरह की हुआ देखो पूरे देशी अंदाज में जमा जमा सभ्य है तो मैंने तो बताने की जरूरत भी नहीं, बाकी पहला भी देख लिया गाने में भी देख लिया बोलने में मेरा पड़ जाए भाई कौन कितना बढ़िया है के चरित्र है, तो आज तक एक सिंगल आदमी ने नहीं कोई चरित्र पर उंगली उठाई, तो भाई सब जो आपका ये गाना था किसी सिंगल कमेंट या कोई इस तरह का भाई भाई इसमें ये बोल गलत तो कुछ इस तरह का आया इस पर तकरीबन 40,000 कमेंट आ रहे हैं, 40,000 कमेंट बढ़िया हैं, सिर्फ 2 कमेंट छोड़ गए, वो भी पता नहीं उन्होंने पता नहीं था या कुछ भी एक मतलब अधूरा ज्ञान लगा ले, तो उन्होंने कहा था कि भाई वो गाना कास्टिज्म पे है और फुलजाट जुलानी का इसमें नाम नहीं देना था तुमने, तो उनको पता नहीं यार फुलजाट जुलानी क्या चीज़ थी, वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे उन्होंने, क्रांतिकारी थे देखो भाई यो अर्फुल जाट जुलानी तो एक महान हस्ती हुए क्योंकि उन्होंने ईसा कास्टिज्म होता तो भाई मैं बिंटू जमा दिन रहते एक थाली में खाना खावा, मैं जाट का बालक हूँ सैंसी का बालक है, यानी एक सीरी का ले एक किसान का बालक है, मारे बीच में कदम ये बात नहीं आई, जो ये नेगेटिव कमेंट करे भाई उनका मुंह तो तमाचा ही हो, क्योंकि वो जो एक आधा जो जिसकी ज्ञान भी नहीं होता भाई इस पर नेगेटिव कमेंट कर दे पता नहीं क्या उसकी सोच हो है उसकी मानसिकता पर हम नहीं जा सकते, तो बिल्कुल बिल्कुल तो न्यू है वो दो चार तो देख जरूरी ये भी जरूरी है ताकि हमें भी दो बात करने का मौका मिल जाए सोचने का मौका मिल जाए, तो अलग अलग सोच अलग अलग समझ है हर बंदे की, कोई दिक्कत जैसा चल रहा है वैसा तो चलेगा। तो इस वीडियो के बारे में आपकी के राय है के मानना एक सभ्य कमेंट के जरिए नीचे अपनी राय जरूर दे दियो, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।